नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर के कस्बा हरियाणा मेन रोड पर एक कार की पेड़ से हुई जबरदस्त टक्कर, महिला सहित तीन की मौत, एक घायल। जालंधर की परागपुर चुंगी के नजदीक गत रात्रि हुआ एक भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। संगरूर के मछली पालन विभाग के सरकारी पौंड में सूखी घास को लगी आग की चपेट में आया एक घर, लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। और अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर के कस्बा हरियाणा मेन रोड के नजदीक एक महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी की पेड़ के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई, जिस कारण दो व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुरेंद्र सिंह कटोच ने बताया कि वह गांव सैच थाना सदर होशियारपुर का रहने वाला है। गत रात्रि उसकी लड़की का विवाह विक्रम पैलेस में था। सुबह उसका लड़का और उसका परिवार गाड़ी में सवार होकर बेटी की डोली वाली कार के साथ जा रहे थे और वे भी अपनी गाड़ी में सवार होकर उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी हरियाणा के नजदीक पहुंची, तो आगे अचानक आवारा पशु आ जाने के कारण गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पेड़ से जा टकराई, जिस कारण उसके बेटे साहिल कटोच और उसके पिता रोशन लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी माता वेद कुमारी और उसका भांजा युवराज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों की मदद से होशियारपुर में दाखिल करवाया गया, जहां डॉक्टरों की ओर से उनके भांजे युवराज को जालंधर रेफर कर दिया गया और वहां उनकी माता की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। गौरतलब रहे कि मृतक साहिल कटोच आर्मी में नौकरी करता था और छुट्टी लेकर बहन के विवाह में शामिल होने के लिए आया था, जिसका सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जबकि मृतक दादा आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन था। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। एरिए दे कैप्टन रोशन लाल उन्हों का बे जोड़ा पोतरा सगा कैप साहिल कटोच, कैप्टन रोशन लाल इस एरिए थंब सोशल वर्कर, हर किसी के दुख सुख च खड़े होने वाले। इस एरिए उन्हों की बहुत घाट आ। उन्हों की पोती की मैरिज सगी रात 12 बजे तक असं कट्ठे सके। मैरिज तो बाद घर लगन फेरे होए, डोली गई, डोली दे नाल ब्रदर जांदा हुंदा, कैप्टन साहब भी जिद करन लग पे कि मैं भी पोती दे नाल फेरा पान जाना। रिश्तेदारां ने भी रोकिया, पर हुण इहनूं कौन टाल सकदा। पोते नूं नाल लिया, मगर चल गए नाल। दादी सगी इक दोता सी, इक होर दोता सी, दूसरे दोते नूं रस्ते च तार दित्ता, कहिंदे काका तूं पिछे कम देख, असी जाके आने। जांदे पता चलिया भी हरियाणे दे लागे पुल दे नाल ट्रक नू क्रॉस कर रहे सी, मोहरियों गाई आई, गाई नू बचांदिया ने जिहड़ी गड्डी आ सफेदे विच वज्जी। जदों सफेदे विच वज्जी तां उत्थे लोग जिहड़े मौके दे सगे, असी जाके जदों देखिया सानू भी फोन आया, जाके देखिया क्रेन दे नाल JCB ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਖਿੜਕੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਪਰਾਗਪੁਰ ਚੁੰਗੀ ਕੇ ਪਾਸ ਗਤ ਰਾਤਰੀ ਇੱਕ ਭੀਸ਼ਣ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਯੁਵਕੋ ਕੋ ਅਗਿਆਤ ਵਾਹਨ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਇਤਨਾ ਭੀਸ਼ਣ ਥਾ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਮੇਂ ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਬਕਿ ਦੂਸਰਾ ਯੁਵਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਸੇ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, जिसे उपचार हेतु जोहल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए परागपुर चुंकी इंचार्ज ने बताया कि उन्हें सड़क हादसे की सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि उन्हें पता चला था कि उक्त युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, जहां परागपुर के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि किस वाहन ने इन युवकों को टक्कर मारी है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जो तो निकल रहे की माहौल की सी माहौल साहब, कोई नहीं बिठाता जी, कोई भी नहीं बिठाता, इकट्ठे
ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਬਿਠਾਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੋਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਬਸ ਲੱਤ ਪਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਇਹ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬਾਈਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੋ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ संगरूर के मछली पालन विभाग के सरकारी पॉन्ड में सूखी घास को आग लगने के कारण तेज हवाओं के चलते आग की लपटों ने साथ लगते रिहायशी इलाके के एक घर को अपनी चपेट में ले लिया। मकान मालिक के मुताबिक जब उन्हें पता चला तो सारे घर में से धुएं की लपटें निकल रही थी, जिसके बाद लोगों ने इकट्ठा होकर आग बुझानी शुरू की, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस दौरान मकान मालिक ने अपने परिवार को घर में से सही सलामत बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि आग लगने का बड़ा कारण मकान की दीवार के साथ लगता मछली पालन विभाग का पौंड है, जिसमें सूखी घास को आग लगने के कारण तेज हवाओं के चलते लपटे उनके घर में पहुंच गई, जिस कारण घर में पड़े सामान को आग लग गई। तो वहीं मकान मालिक के मुताबिक उनका 15 से 20 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। मकान मालिक ने मछली पालन विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनके द्वारा पहले भी इसी तरह आग लगाई जाती थी, जिस कारण उन्हें काफी परेशानी आती है, लेकिन अब तेज हवाओं के चलते उनका घर भी आग की चपेट में आ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ मछली पालन विभाग की अधिकारी चरणजीत कौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें आग लगने का तब पता चला जब धुएं का गुबार दिखाई दिया, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को आग बुझाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उनके कर्मचारियों की ओर से आग नहीं लगाई गई। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। दोपहर का समय से तकरीबन 2 बजे की अग पिछले पास फॉरेस्ट अपना फिश फार्मिंग का दफ्तर है, पीछे उन्होंने जगह है खाली। उन्होंने जिम्मे असी महल्ले सुने कि उन्होंने झाड़ी अग लाई इस घर के बैकसाइड पर, वह अग हवा के कारण बहुत ज़्यादा फैल गई। वह अग ला के एक मिनट चले गए, उन्होंने देखा नहीं, ध्यान दिता भी अग साड़ी कितने पहुँच गई या किमें है। वह जो असं 2:45 बाहर खड़े गल्ला कर रहे थे, एकदम धुआं बड़ी वो उठाया, लहर जी उठिया धुएं दियाँ। असं एकदम घर भजे तो देखा कि घर के दरवाजे सारा घर कला होया पाया, आले दुआले गली काली हुई पी, फटाफट मोटरसाइकिल बाद इन्हें देते दे सारी अग इस घर के आ गई। और तकरीबन तुम देखो भी छत तक, छत के उपर तक 20-20 फुट तक अग फैलती रही। फिर सारा महला फायर ब्रिगेड ने फोन किया, इकट्ठा होया पानी, जिदे को पानी, जिदे को रेता, जो जो चीज़ मिलती रही, असी जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई उद तक असी इनू करते रहे। तो फायर ब्रिगेड ने आके टाइम से फायर ब्रिगेड भी आ गई, उन्होंने 1 घंटे मशक्कत बाद सारा कुछ मतलब किया। एक तकरीबन समझ के चलो जी 5 AC फुगे जी, बाकी घरेलू समान से इन्हों का करोकरी का कम है, करोकरी का घट्टो घट 15-20 लाख रुपए का जरा अंदाजन है भी, हजे हिसाब नहीं लग्या भी इन्ना समान का नुकसान इन्हों का हो चुका है। इतने सीनियर मछली पालन अफसर है और मेरे को 3 बंदे काम करते हैं, तीनों ही फार्म साइड पर काम कर रहे थे। लंच तो बाद असी देखा कि इधरों तू आ रहा दूसरी साइड तो, जदों ही सानू पता लग्या तो मैं सगों बंदियां नू कहा कि जाके हेल्प करो, क्योंकि साढ़े पौंड्स दे विच पानी सीगा, तो उन्होंने नाल ही उन्होंने जिहड़ी हैगी अग बुझाउण दा जिहड़ा हैगा कोशिश की, इत्थों बाल्टियां चक के लै गए। पर मैम वह कह रहे हैं कि जिहड़ी मच्छी पालन विभाग की वड्डी गलती अग लगाई गई है पौंड नू, नहीं जी अग साढ़े वालों नहीं लगाई गई, वीडियो भी बनाई गई है जिहदे विच कोई भी मदद करदा दिखाई नहीं दे रहा दूर खड़िया। नहीं जी साढ़े वालों तो जो एक इंसानियत के तौर पर मैं बंदियां नूं भेजिया कि तुसी जाके हेल्प करो, इधरों बाल्टियां लैके वो हेल्प की उन्होंने। तां मैम जिहड़ा पौंड हैगा उह झग लगी हुई है सारे दे विच, इहदी तुसी लापरवाही किस नूं मानदे हो? नहीं लापरवाही उहदे विच नहीं, घाह इन्ना हो जांदा हुण ओपन एरिया हैगा, बहुत ज़्यादा पत्ते और घाह हो जांदा, घाह नूं अग कित्थों लगी वह सानूं नहीं पता। इस कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा जीरा में पहुंचे, जहां उनकी ओर से जीरा के नवा जीरा रोड पर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर किसानों को दिए जाने वाले पानी के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कहा कि इस ट्रीटमेंट में प्लांट से 157 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान इस पानी का इस्तेमाल अपनी खेती के लिए कर सकेंगे। गौरतलब रहे कि इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जीरा शहर के सीवरेज का पानी पहुंचता है और इस ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी को साफ कर अंडरग्राउंड पाइपों के माध्यम से ये पानी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान उन्होंने जिन्हों की लंबी सोच सदका जिहड़े
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀਰਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਡੇਲੀ ਦੀ 8 ML ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 157 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਇਸ ਐਸ ਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 acres ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਵਮ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਆਪਣੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਜਹਾਂ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੇਂ ਮਾਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਸਰਬੱਤ ਕੇ ਭਲੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਆ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੇਂ ਰੱਖੇ ਔਰ ਵੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਵੇ ਦੀਵਾਨ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਛੇ ਕਾਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਓ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਕੀ ਨਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਆ, ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਣ ਆਏ ਆ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਵੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਇਓ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ जालंधर में चोर अब थाना में घुसकर चोरी की वारदातें करने लग गए हैं। ऐसा ही एक मामला थाना नंबर 1 से सामने आया है जहां थाना में घुसकर चोर थाना के माल खाने तक पहुंचा और वहां से टीवी चुराकर भाग निकला। हालांकि हाथ में टीवी लिए भाग रहे चोर पर थाना के संतरी की नजर पड़ गई और चोर को काबू कर लिया गया व टीवी भी बरामद कर लिया गया। तो वहीं थाना नंबर 8 के प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि थाना नंबर 1 के मालखाने की बाउंड्री टूटी हुई है। एक व्यक्ति वहां से टीवी उठाकर भागने लगा जिस पर पुलिस कर्मचारियों की नजर पड़ गई व उसे काबू कर लिया गया। वहीं उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान गौतम निवासी रामनगर के तौर पर हुई है और आरोपी नशे का आदि है व उस पर पहले भी कई मामले दर्ज है जिसे जेल भेज दिया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जिहड़ी चोरी आ ये एक नंबर थाने का जिहड़ा बाउंडरी वाल है नहीं आ, माल मुकदमा सीगा, कोई ड्रगिस्ट सीगा, कोई चोरी करता उत्थे देखा गया तो उन्हें मौके पर फड़ लिया सीगा। जिहड़ा एक नंबर थाना वा वो एरिया हैगा 8 नंबर थाने का, इस करके FIR नंबर 30 डिवीजन नंबर 8 च दर्ज की आ ते चोर नूं फड़ के जिहड़ा माल मुकदमा सी बरामद कर लिया सी। पहले एडिक्टेड हैगे आ, नशे पत्ते वाले पर्चे पहला भी हैगे आ। अमृतसर के गांव अदली बाला में किसान परिवार के 5 दूध देने वाले पशु किसी भयानक बीमारी की चपेट में आकर बीमार होने के बाद उनकी मौत हो गई। इस भयानक बीमारी का पता ही नहीं चल पाया लेकिन मुंहखोर और गलघोटू बीमारी होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। तो वहीं डॉक्टरों की एक विशेष टीम डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग नवराज संधू की अगुवाई में किसान के घर पहुंची और पशुओं की जाँच की। इस संबंध में जानकारी देते हुए किसान बलदेव सिंह ने भरे मन से बताया कि 4 भैंसें कुछ दिनों से बीमारी से जूझ रही थी लेकिन बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा था। उन्होंने बताया कि पहले पशुओं के मुंह से जाग निकलती है और फिर 1-2 दिनों में उनकी मौत हो जाती है। उन्होंने बताया कि माहिर डॉक्टरों की ओर से बीमारी की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि इस भयानक बीमारी की चपेट में आने से दूसरे पशुओं को बचाया जा सके। तो वहीं डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन विभाग नवराज संधू ने बताया कि वे मौके पर पहुंचे हैं और हालातों को देख रहे हैं। उनकी और से डॉक्टरों की टीम लगाई गई है और इन पशुओं की मौत की जांच कर रहे हैं। फिलहाल हर तरह से जांच
की जा रही है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज जड़े पशु जड़े ना दे इन्हां दे पशु वाली जी डेथ हुई ना मेनू इनफॉरमेशन आज ही मिली है ये ओपीआई पॉइजनिंग होंदी है ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टीसाइड्स ये सानू ओदे केस लग रहे हैं। बाकी डिटेल च डॉक्टर मनीष गुप्ता सीनियर वैटनरी अफसर अज नाल ने इन्हां दी तहसील दे इंचार्ज ने तुसीं डिटेल च इन्हां नूं दस्सो। ट्रीटमेंट कर रहे ने सीनियर वैटनरी अफसर अपनी निगरानी च डॉक्टर पन्नू ने नाल सीनियर वैटनरी अफसर अटारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं रेगुलर। सर एक मूँह खोर की बीमारी चल रही है लगता वह कितने इस तरह का कंटैक्ट है एक परसेंट भी नहीं टीके भी लगे हुए हैं इन्हें सारे मूँह खोर के वह कोई सिम्पटम। मेरा नाम नंबर है संतोख सिंह जी पिंड बरादरी वाला मैं किसान आगू। अच्छा बेनती इस तरह भी साढ़े ना पिंड अपना बरादरी मित्र बलदेव सिंह नंबरदारी होगी वो डंगर ना पिछले एक डेढ़ हफ्ते तो बीमार चले आ रहे थे तो डॉक्टर टीम टाइम द टाइम आ के ट्रीटमेंट करते हैं पर उन्होंने ट्रीटमेंट करद्या मेरे सत्त डंगर जोड़े ने मर चुके हैं तो हूँ भी डॉक्टर की टीम जी इतने मौके पर अवेलेबल सी हूँ भी डॉक्टर साहब सारे आए हैं डिप्टी डॉक्टर साहब भी आए थे तो वो ये बारे जे गए ने पड़ताल कर की नुकसान है की नहीं गल इंज हुई भी 9 तरीक एक झोटी ढिली होंगी ये मूँह चो पानी आता अभी डॉक्टर साहब ना गल करके चलो डॉक्टर साहब आए भी उन्होंने टीके टूके लाए पर वो कवर नहीं हुई अगले दिन एक झोटी फिर मतलब बीमार हो जाती है फिर डॉक्टर साहब आन के तो उन्होंने मतलब जो भी ट्रीटमेंट किया उन्होंने दवाई मतलब ग्लूकोज़ के राही जी वो भेजी एक दिन छड़ के तो मतलब 9-10 तरीक हुई फिर 12 तरीक न 2 झोटियाँ हटियां फिर रात हो गई वो कवर कोई नहीं मतलब डंगर बेच होया तो 4 डंगर जोड़े दुधारू ही दुध वाले वो मतलब एक ही रात ही जोड़े ही मूँह चो इदा ही पानी आए इदा ही मतलब लाला और चलो ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब उदों तो ही कर रहे हाँ जी मतलब अं लुधियाने भी गए हैं कल मुलाजा करा के डंगर दोवों का तो उतों अजे रिपोर्ट तो शायद कल या परसों आ गए फिर बाद मतलब डंगर जोड़े मरने शुरू हो गए पहले 2 मरिया फिर 3 मरिया राती भी 2 मरिया मतलब हूँ एक मझ फिर मर गई अही मंग तो मतलब वेखो जी सरकार को भी ये करते हैं भी इन्ना मतलब 7-8 लाख का नुकसान हो गया कोई यदा भी कोई हल कढ़ना चाहिए गांह भी मतलब जोड़ा आ जिदा किसी का कोई होर ना डंगर कोई नुकसान हो अलग अलग तरह के कीटनाशक है अलग अलग तरह के ढे नवीन नाशक है वो यूज होंगे हूँ कीटनाशक से या कितों आया से पठिया थानी आया वा वो तूड़ी थानी आया वा या वंड थानी आया वा वो किस तरह आया यदा तो नहीं पता लग सकता लेकिन हैगा कोई है ओपीआई ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टीसाइड ही है क्योंकि साड़ी ट्रीटमेंट करदे 15-15 मिनटों के गड्डी उठ के खड़ी हुई है वो क्योंकि यह अलग अलग जहर का जो सिम्पटम के हिसाब से इलाज किया गया लेकिन एक आया कि किसी भी जहर दे इलाज में रिस्पोंड नहीं कर रही तो एक असी कहा कि यार ट्रायल करके देखो जो आ ट्रायल किया दवाई मंगा के तो वो रिस्पोंड की है तो मैं लगता कि हूँ गांह तो इन्हों के घर च सारे पशु ठीक रहेंगे। ब्रेन स्ट्रोक के राइजिंग ट्रेंड और एडवांस न्यूरो इंटरवेंशन में प्रगति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आई वीवाई अस्पताल अमृतसर द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर डॉक्टर यानिश भनोट ने कहा कि स्ट्रोक भारत में नई महामारी के रूप में उभर रहा है और हर वर्ष देश भर में 1.5 से 2 मिलियन नए स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं। वास्तविक संख्या निश्चित रूप से अधिक होगी क्योंकि इनमें से कई मरीज कभी भी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक नहीं पहुँच पाते हैं। उन्होंने बताया कि भारत में प्रतिदिन लगभग 3,000 से 4,000 स्ट्रोक होते हैं और 2 से 3% से अधिक का इलाज नहीं हो पाता है। दुनिया भर में स्ट्रोक की दर प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 60 से 100 मामले प्रतिवर्ष है जबकि भारत में ये प्रति 1 लाख प्रतिवर्ष 145 मामलों के करीब है। वैश्विक स्तर पर सभी स्ट्रोक रोगियों में से 60% भारत में है। भारत में स्ट्रोक की घटनाओं में वृद्धि का कारण बीमारी और रोकथाम के तरीकों के बारे में जागरूकता की कमी है। उन्होंने ये भी बताया कि अब IVY अस्पताल पूरे पंजाब में सबसे बड़ी स्ट्रोक रेडी अस्पताल चैन चला रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पूछा गया कि जो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी प्रोसीजर है इसके कितने पैसे लगते हैं सो वक्त पैसे होंगे डिपेंड करता है कितनी मुश्किल आती है किस तरह का हार्डवेयर यूज होता है तो मरीज को किस चीज़ की जरूरत है क्या उस वे स्टेंट पाने की जरूरत है या बलून के नाल गल बन जाती है या सिर्फ आपको सक्शन कैथेटर यूज करने पैंते हैं सो 3 to 5 lakh rupees का खर्चा होता है बट ये होंगे कि जे जिस मरीज ने 15 दिन या 20 दिन या 1 महीना हस्पताल के रह के लखा रुपए देने होंगे है उसके अपफ्रंट शुरू के आप
ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ 647ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਕੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਮੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਕਟਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਬਸਤੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਸੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਸੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਮੇਂ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਸੇ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदनलाल खिंदर के सुपुत्र विशाल खिंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए सर्वप्रथम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में पहुंची, जहाँ पर सोसाइटी के सदस्य प्रीतम कलसी, धर्मपाल, पाल कुमार, अशोक कुमार शिवगोत्रा, विपन कुमार शिवगोत्रा, हंसराज सुरेंद्र, अजय कुमार मदनलाल, डॉक्टर राजकुमार, विनय मंजू, अमित खिंदर, राकेश कुमार, नसीब चंद ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया, जिसके पश्चात ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा कर ओम प्रकाश के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया। तो वहीं प्रभात फेरी में शामिल सभी भक्तों के लिए प्रसाद रूपी भव्य भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सचिव सतपाल पाला, ओम प्रकाश लोच, वाइस चेयरमैन स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, अमरनाथ, कुलदीप, लकी घई, कैशियर बलबीर लोच, विजय पाठी, सौरभ वसन, चमन पाठी, गुरदयाल पाठी, अजय डालिया, चरणदास कलसी, पवन कुमार, रूबी जंग बहादुर, जैकी, कमल डालिया, लकी, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, संतोष, रमा, जसबीर, उषा लोच, शोभा मीनिया, अरुणा लोच, राजरानी, विमला, विष्णु, कुसुम, रानी लोच, कांता, बॉबी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट।
ਸਮਾਂ ਫੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮੁੰਦਰ ਕਟੜਾ ਮੱਲਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਅਕਤਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕੇਂਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਡਾ ਬਸਤੀ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਚਰਨ ਪੁਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 647ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜੋ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਲੰਗਰ ਛਕਾਏ ਹਨ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਹਨ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਔਰ ਜਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹਨ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਕਟੜਾ ਮੱਲਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, 9:30 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 24 ਤਰੀਕ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਹਵਨ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਝੰਡੇ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਔਰ 24 ਤਰੀਕ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਕਟੜਾ ਮੱਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।
बहुत सेवा कर रही है क्योंकि अब तकरीबन 12-14 दिन हो रहे हैं लगातार डोर टू डोर महाराज का गुणगान कर रही हैं और इसकी सभा गुणगान कर रही है पूरे राज्य में पूरे गवर्नमेंट पूरे पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में दिखाई जाती है और दैनिक सवेरा टाइम हर रोज खबर आने की कोई छुट्टी गल नहीं है महाराज जी का जरा नाम है दैनिक सवेरा टाइम और सिटी हल्का ने महाराज का नाम घर घर के पंजाब जो उपराला किया है जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो लुटेरों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO परमिंदर सिंह ने बताया कि 16 फरवरी को श्री गुरु रविदास चौक के नजदीक एक लूट की वारदात हुई थी जिसके तहत थाना डिवीजन नंबर 6 में 4 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जिसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी जांच के आधार पर दो आरोपियों को काबू किया गया जिनकी पहचान किरण प्रीत सिंह उर्फ चिट्टा निवासी तोई मोहल्ला नजदीक साईं बाबा मंदिर खुरला किंगरा जालंधर और हरदेव सिंह उर्फ हैप्पी निवासी प्रकाश एनक्लेव खुरला किंगरा जालंधर के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से एक दातर वारदात में इस्तेमाल किया गया मोटरसाइकिल और 1000 रुपयों की नकदी भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है ताकि बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। CP साहब के दिशा निर्देशों के तहत चलते हुए मुहिम चलाई गई थी कि जिन्हें भी तरीके का कोई क्राइम हो रहा उन्होंने ठल पाने के लिए असी वख वख तरीके दे चोर या होर कोई स्नैचिंग या किसी भी तरीके की कोई वारदात सी उन्होंने ट्रेस करन दे तहत यह बंदे अरैसट किए थे। साढ़े थाने डिवीजन नंबर 6 दे पुलिस ने दो सी जिहड़े अपराधी वह तकरीबन जिहड़ियां अपने सारे एरिए दे विच या अपने सारे जलंधर दे विच स्नैचिंग दीआं वारदातां करदे सी उन्होंने अरैसट किया गया सी। सर इन्हां दे पहले भी कोई मामला दर्ज है? इन्हां दे पहलों भारको कैंप थाणा 5 नंबर रामा मंडी फिर उस तो बाद आ गया बाबा खेल तो एक रीसेंटली साढ़े इतने अच्छ तो तकरीबन 15 दिन पहले एक इन्होंने मोटरसाइकिल खोया सीगा वह तो एक 2-3 दिन पहले इन्होंने साढ़े एरिए दे विच सवेरे 5 बजे तो लैके 7 बजे दे विच तकरीबन इन्होंने 4-5 वारदातें कीतियां सी जिन्हां दे तहत इन्हों फड़िया गया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। होशियारपुर के कस्बा हरियाणा मेन रोड पर एक कार की पेड़ से हुई जबरदस्त टक्कर महिला सहित 3 की मौत 1 घायल। जालंधर की परागपुर चुंगी के नजदीक गत रात्रि हुआ एक भीषण सड़क हादसा 1 युवक की मौत दूसरा गंभीर घायल। संगरूर के मछली पालन विभाग के सरकारी पौंड में सूखी घास को लगी आग की चपेट में आया एक घर लाखों रुपयों का सामान जलकर हुआ राख। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।